जैसे कि आपको पता है एफआई से ये 2006 में फिल्म आई, पहली फिल्म आई थी 1996 और दूसरे 2000 में और तीसरी फिल्म आई थी 2006 में, यानी कि 4 साल की गैप थी दूसरी फिल्म और 3 साल की गैप। इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट यानी कि 126 मिनट। तीसरे इंस्टॉलमेंट है जैसे कि मैंने बताया, और इसमें बेसिकली ईथन हंट को यानी कि जो टॉम क्रूज है उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ द कार में टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म स्टीलर, यानी कि उसको फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट के बावजूद रेस्क्यू करने के लिए स्टूडेंट का जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया है। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर not only gets his fiancé kidnapped but also exposes a mole in his organization, yani ki jo uska mission tha rescue karne ka wo sirf iski jo fiancé hai yani ki jo mangeshkar thi usko kidnap bhi ho jati hai is mission ke dauran, saath mein ye ek kalank bhi dal deti hai organization par। सब इसमें कहानी है जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसमें इस फिल्म को जो स्टार इसको डायरेक्ट किया है वो जे.जे. एब्रम्स ने किया है। तीनों फिल्म जो मिशन इम्पॉसिबल की जितनी भी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल 3 तक आई है, MI3 तक आई, उनको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया। पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीज़ें सोच के इसको, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली मिशन इम्पॉसिबल सीरीज से कमाई $399 मिलियन। पहली फिल्म आई थी 1996 में, दूसरी आई 2000 में और तीसरी फिल्म आई थी 2006 में, यानी कि 4 साल की गैप थी दूसरी फिल्म और 6 साल की गैप। इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट यानी कि 126 मिनट। तीसरे इंस्टॉलमेंट है जिसके मैंने बताया, और इसमें बेसिकली ईथन हंट को यानी कि जो टॉम क्रूज है उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म्स स्टीलर, यानी कि उसको रिटायरमेंट होने के बावजूद भी रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का जो कि आर्म स्टीलर ने कैप्चर कर लिया है उसको। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर नॉट ओनली गेट्स हिज फाइनेंस फियांसे किडनैप बट ऑल्सो एक्सपोजेज अ मोल इन हिज ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ इसकी जो फियांसे है यानी जो मंगेतर थी उसको किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के दौरान, साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है टॉम क्रूज की। तो ये सब इसमें कहानी है जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसमें इस फिल्म को जो स्टार इसको डायरेक्ट किया है वो जे.जे. एब्रम्स ने किया है। तीनों फिल्म जो मिशन इम्पॉसिबल की जितनी भी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल थी तक आई है, MI3 तक आई, उनको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया। पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीज़ें सोच के इसको किया था, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली ये फिल्म थी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज से कम कमाई, $399 जैसे कि आपको पता है MI3 ये 2006 में फिल्म आई थी, पहली फिल्म आई थी 1996 में, दूसरी आई 2000 में और अब तीसरी फिल्म आई थी 2006 में, यानी कि 4 साल के गैप में दूसरी फिल्म 6 साल की। इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट यानी कि 126। तीसरे इंस्टॉलमेंट है जिसके बेसिकली ईथन हंट को यानी कि जो टॉम क्रूज है उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म स्टीलर, यानी कि
उसको फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट होने के बावजूद भी रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का, जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लेता है उसको। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर नॉट ओनली गेट हिज फाइनेंस फियांसे किडनैप्ड बट आल्सो एक्सपोजेस अ मोल इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो उसका मिशन था रेस्क्यू करने का, वो सिर्फ उसकी जो फियांसे है यानी जो मंगेतर थी उसको किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के दौरान। साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब इसमें कहानी है। इस फिल्म को जो स्टार है इसको डायरेक्ट किया है जे एब्रम्स ने, तीनों फिल्म मिशन इम्पॉसिबल की जितनी भी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल 3 लगाई है उनके, उनको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। पता नहीं टॉम क्रूज क्या चीजें सोच के इसको किया था, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली मिशन इम्पॉसिबल सीरीज के कंपेरिजन में $399 ने कमाया मिलियन। टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट यानी कि तीसरे इंस्टॉलमेंट है जैसे कि मैंने बताया। और इसमें बेसिकली इथन हंट को यानी जो आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर बाय आर्म स्टीलर, यानी कि उसको रिटायरमेंट होने के बावजूद रेस्क्यू करने के लिए स्टूडेंट का आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया था, उसको पकड़ लिया। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर नॉट ओनली गेट्स हिज फाइनेंस फियांसे किडनैप्ड बट आल्सो एक्सपोजेस अ मोल इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो इसका मिशन था रेस्क्यू करने का, वो सिर्फ इसकी जो फियांसे है यानी जो मंगेतर थी उसको किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के दौरान। साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब इसमें कहानी है जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसमें इस फिल्म को जो स्टार है जिसको डायरेक्ट किया है वो के एब्रम्स ने किया है। तीनों फिल्म मिशन इम्पॉसिबल की भी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल 3 लगाई है मैंने, उनको अलग अलग डायरेक्ट किया है। पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीजें सोच के इसको किया था, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म थी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज के कंपैरिजन में। $399 ने कमाए थे मिलियन डॉलर। इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट यानी कि 1:36। तीसरे इंस्टॉलमेंट है जैसे कि मैंने बताया। और इसमें बेसिकली इथन हंट को यानी कि जो टॉम क्रूज है उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म स्टीलर, यानी कि उसको फोर्स रिटायरमेंट होने के बावजूद रेस्क्यू करने के लिए स्टूडेंट का आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया था यानी कि उसको पकड़ लिया था। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर नॉट ओनली गेट्स हिज फाइनेंस फियांसे किडनैप्ड बट आल्सो एक्सपोजेस अ मोल इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो उसका मिशन था रेस्क्यू करने का, वो सिर्फ इसकी जो फियांसे है जो मंगेतर थी उसको किडनैप भी हो जाती है इस मिशन।
कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है टॉप क्रूज की। तो ये सब इसमें कहानी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसमें इस फिल्म को जो स्टार इसको डायरेक्ट किया है वो जे जे एब्रम्स ने किया है। तीनों फिल्म मिशन इम्पॉसिबल की जितनी भी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल 3 तक आई है, MIT को अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया। पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीज़ें सोचने को किया था, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली मिशन इम्पॉसिबल सीरीज है। $399 मिलियन आपको पता है ये 2006 में फिल्म पहली फिल्म आई थी 1996 में, दूसरी 2004 में, और तीसरी फिल्म आई थी 2006 में, यानी कि 4 साल की गैप में दूसरी फिल्म और 6 साल की गैप में तीसरी फिल्म। इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट, यानी कि 136 मिनट का। तीसरी इंस्टॉलमेंट है जैसे कि मैंने बताया, और इसमें बेसिकली ईथन हंट को उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म स्टीलर, यानी कि उसको फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट होने के बावजूद रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का, जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया था, यानी उसको पकड़ लिया था। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर not only gets his finance fiance kidnapped but also exposes a mole in his organization, yani jo uska mission tha rescue karne ka wo sirf iski jo fiance hai yani ki mangeshkar usko kidnap bhi ho jati hai is mission ke dauran, saath mein ye ek kalank bhi डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है टॉम क्रूज। तो ये सब इसमें कहानी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसमें इस फिल्म को जो स्टार इसको डायरेक्ट किया है वो जे जे एब्रम्स ने किया है। तीनों फिल्म की मिशन इम्पॉसिबल की जो जितनी भी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल की लगाई है MIT तक, उनको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या सोच ली इसको, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म मिशन इम्पॉसिबल सीरीज है। $399 मिलियन मिशन इम्पॉसिबल 3। जैसे कि आपको पता है MI3 ये 2006 में फिल्म आई, पहली फिल्म आई थी 1996 में, दूसरी 2004 में, और तीसरी फिल्म आई थी 2006 में, 4 साल की गैप में दूसरी फिल्म। और इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट, यानी कि तीसरी इंस्टॉलमेंट है जैसे कि मैंने बताया। और इसमें बेसिकली ईथन हंट को, यानी कि टॉम क्रूज है, उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म स्टीलर, यानी कि उसको रिटायरमेंट होने के बावजूद रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का, जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया था, उसको पकड़ लिया। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर नॉट ओनली हिज फाइनेंस यान से किडनैप बट आल्सो एक्सपोजेज अ मॉल इन हिज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो उसका मिशन था रेस्क्यू करने का वो सिर्फ इसकी जो फियांसे है यानी जो मंगेतर थी उसको किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के दौरान, साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है टॉम क्रूज। तो ये सब इसमें कहानी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसमें इस फिल्म को जो स्टार इसको डायरेक्ट किया है वो जे जे एब्रम्स ने किया है। तीनों फिल्म जो मिशन इम्पॉसिबल की जितनी भी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल 3 तक आई है MIT तक, उसको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया। पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीज़ें सोच के इसको किया था, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की तक आई है। $399 मिलियन
डबल थ्री। जैसे कि आपको पता है MI3 ये 2006 में फिल्म आई थी, पहली फिल्म आई थी 1996 में, दूसरी 2004 में, तीसरी फिल्म आई थी 2006 में, ये 4 साल की गैप में दूसरी फिल्म और 6 साल। इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट यानी कि 136 मिनट। तीसरे इंस्टॉलमेंट जैसे कि मैंने बताया, और इसमें बेसिकली इथन हंट को यानी कि जो टॉम क्रूज है उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म स्टीलर, यानी कि उसको फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट होने के बावजूद रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया था, उसको पकड़ लिया। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर not only takes his finance fiance kidnap but also exposes a mole in his organization, यानी कि जो उसका मिशन था रेस्क्यू करने का वो सिर्फ इसकी जो फियांसे है यानी कि जो मंगेतर थी उसको किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के दौरान। साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर, इसको इस फिल्म को जो स्टार जिसको डायरेक्ट किया है वो जे एब्रम्स ने किया है। तीनों फिल्म मिशन इम्पॉसिबल की जितनी भी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल 3 तक आई है, MI3 तक आई है, वो अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीज़ें सोच के इसको किया था, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म थी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की कंपैरिजन में, $300 मिलियन। जैसे कि आपको पता है MI3 2006 में थी, पहली फिल्म आई थी 1996 में, दूसरी 2004 में, और अब तीसरी फिल्म आई थी 2006 में, यानी कि 4 साल के गैप में दूसरी फिल्म आई थी। इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट यानी कि 1:26 मिनट। तीसरी इंस्टॉलमेंट है जैसे कि मैंने बताया, और इसमें बेसिकली इथन हंट को यानी कि जो उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म स्टीलर, यानी कि उसको फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट होने के बावजूद भी रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया था, उसको पकड़ लिया। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर not only gets his fiance kidnapped but also exposes a mole in his organization, yani ki jo uska mission tha rescue karne ka wo sirf iski jo fiance hai yani ki jo mangeter thi usko kidnap bhi ho jati hai is mission ke dauran, sath mein ye ek kalank bhi डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर, इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग। तो ये सब इसमें कहानी है, जैसे कि मैंने बताया था इसमें इस फिल्म को जो स्टार जिसको डायरेक्ट किया है वो जे एब्रम्स ने किया है। तीनों फिल्म मिशन इम्पॉसिबल की जितनी भी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल 3 तक आई है, MI3 तक आई है, उनको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीज़ें सोच के इसको किया था, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म थी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज के कंपैरिजन में, $300 मिलियन। जैसे कि आपको पता है MI3 ये 2006 में थी, पहली फिल्म आई थी 1996 में, दूसरी 2004 में, और अब तीसरी फिल्म आई थी 2006 में, कि 4 साल के गैप में दूसरी फिल्म और 6 साल के गैप में। इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट यानी कि 126 मिनट। तीसरी इंस्टॉलमेंट है जैसे कि मैंने बताया, और इसमें बेसिकली इथन हंट को यानी कि जो उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय
रिटायरमेंट होने के बावजूद भी रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया था, उसको पकड़ लिया था। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर नॉट ओनली गेट्स हिज फाइनेंस फियांसे किडनैप बट आल्सो एक्सपोजेस द होल इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो उसका मिशन था रेस्क्यू करने का, सिर्फ उसकी जो फियांसे है यानी जो मंगेतर तक थी उसको किडनैप भी हो जाती है मिशन के दौरान। साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन की टॉप। तो ये सब इसमें कहानी है, जैसे कि मैंने बताया था इसमें इस फिल्म को जो स्टार इसको डायरेक्ट किया है वो जे.जे. एब्रम्स ने किया है। तीनों फिल्म जो मिशन इम्पॉसिबल की जितनी भी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल थी तक आई है MIT को अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया। पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीज़ें सोच के किया, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म थी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज में। 399 96 में, दूसरी आई 2000 में और अब तीसरी फिल्म आई थी 2006 में। यानी कि 4 साल के गैप में दूसरी फिल्म और 6 साल के गैप। इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट यानी कि 136। तीसरी इंस्टॉलमेंट है जैसे कि मैंने बताया। और इसमें बेसिकली इथन हंट को यानी कि जो टॉम क्रूज़ है उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू दिस स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म स्टील। यानी कि उसको फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट होने के बावजूद भी रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया था, यानी कि उसको पकड़ लिया था। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर नॉट ओनली गेट्स हिज फाइनेंस फियांसे किडनैप बट ऑल्सो एक्सपोजेस द होल इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के दौरान। साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है टॉम क्रूज की। तो ये सब इसमें कहानी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें इस फिल्म को जो स्टार और इसको डायरेक्ट किया है वो जे.जे. एब्रम्स ने किया। तीनों फिल्म जो मिशन इम्पॉसिबल सीरीज मिशन इम्पॉसिबल 3 तक आई है MIT तक आई है तो अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया। पता नहीं टॉम क्रूज़ ने क्या चीज़ें सोच के किया था, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म थी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज के कंपैरिजन में। 399 मिलियन डॉलर। जैसे कि आपको पता है MIT 4 साल के गैप में दूसरी फिल्म 6 साल के गैप। इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट यानी 126 मिनट। तीसरे इंस्टॉलमेंट है जैसे कि मैंने बताया। और इसमें बेसिकली इथन हंट को यानी कि जो टॉम क्रूज़ है उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म स्टीलर। यानी उसको फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट होने के बावजूद भी रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया है उसको पकड़ लिया। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर not only gets his finance fiance kidnapped but also exposes a mole in his organization। yani ki jo uska mission tha rescue karne ka wo sirf iski jo fiance hai yani ki jo mangetar thi usko kidnap bhi ho jati hai is mission ke dauran। sath mein
ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सब इसमें कहानी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसमें इस फिल्म को जो स्टार इसको डायरेक्ट किया है वो जे एब्रम्स ने किया। तीनों फिल्म मिशन इम्पॉसिबल की जितनी भी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल 3 तक आई है, वही थी, उनको अलग अलग डायरेक्टर डायरेक्ट किया। पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीजें सोच कर, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म थी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज के कंपेरिजन में। 399 डॉलर इसने कमाया, $1 मिलियन। जैसे कि आपको पता है MIT 2006 में फिल्म आई, पहली फिल्म आई थी 1999 में, दूसरी आई 2000 में, तीसरी फिल्म आई थी 2006 में। 4 साल के गैप में दूसरी फिल्म, 6 साल के गैप। इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट यानी 126 मिनट। तीसरी इंस्टॉलमेंट है जैसे कि मैंने बताया। और इसमें बेसिकली इथन हंट को, यानी कि जो टॉम क्रूज है, उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म्स थीफ, यानी उसको फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट के बावजूद भी रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया है, उसको पकड़ लिया। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर Not only gets his fiancée kidnapped, but also exposes a mole in his organization. यानी कि जो उसका मिशन था रेस्क्यू करने का, वो सिर्फ इसकी जो फियांसे है यानी कि जो मंगेतर थी उसको किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के दौरान। साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर। ये सब इसमें कहानी है, जैसे कि मैंने बताया था। इसमें इस फिल्म को जो स्टार इसको डायरेक्ट किया है वो जे जे एब्रम्स ने किया है। तीनों फिल्म मिशन इम्पॉसिबल की जितनी भी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल थी तक आई है, उनको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया। पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीज़ें सोच के, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म थी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज। $399 4 साल की गैप, दूसरी फिल्म 6 साल की गैप। इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट यानी 126 मिनट। तीसरी इंस्टॉलमेंट है जैसे मैंने बताया। और इसमें बेसिकली इथन हंट को, यानी कि जो टॉम क्रूज है, उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म्स थीफ, यानी कि उसको फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट होने के बावजूद भी रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया था, उसको पकड़ लिया। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर नॉट ओनली गेट्स हिज फियांसे किडनैप्ड, बट आल्सो एक्सपोजेस अ मोल इन हिज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो उसका मिशन था रेस्क्यू करने का, वो सिर्फ उसकी जो फियांसे है यानी कि जो मंगेतर थी उसको किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के दौरान। साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर, इसको ऑर्गेनाइजेशन के दौरान। तो ये सब इसमें कहानी है, जैसे कि मैंने बताया था। इस फिल्म को जो स्टार इसको डायरेक्ट किया है वो जे जे एब्रम्स ने किया है। तीनों फिल्म जो मिशन इम्पॉसिबल की जितनी भी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल 3 तक आई है, MIT तक, उनको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीज़ें सोच के इसको, ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म थी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज के। $399 ने मिले।
पहली फिल्म आई थी 1996 में, दूसरी 2000 में और तीसरी फिल्म आई थी 2006 में, यानी कि 4 साल के गैप में, दूसरी फिल्म और 6 साल के गैप में। इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट मिशन के दौरान, साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर, इस जो ऑर्गेनाइजेशन है टॉम क्रूज। तो ये सब इसमें कहानी इस फिल्म को जो स्टार इसको डायरेक्ट किया है वो जे.जे. एब्रम्स ने किया है। तीनों फिल्म मिशन इम्पॉसिबल की जो सीरीज मिशन इम्पॉसिबल की लगाई है MIT और अगर डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीजें सोचा था, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म थी मिशन इम्पोसिबल सीरीज के कंपेयर में। 399 डॉलर की कमाई, मिलियन डॉलर। मिशन इम्पोसिबल जैसे कि आपको पता है MI3 ये 2006 में फिल्म आई थी, पहली फिल्म आई थी 1996 में, दूसरी आई 2000 में और तीसरी फिल्म आई थी 2006 में, यानी कि 4 साल के गैप में, दूसरी फिल्म 6 साल के गैप में। इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट यानी कि 126। तीसरी इंस्टॉलमेंट है जैसे कि मैंने बताया, और इसमें बेसिकली इथन हंट को यानी कि जो आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म स्टीलर, यानी कि उसको फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट होने के बावजूद भी रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया था, यानी कि उसको पकड़ लिया था। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर नॉट ओनली गेट्स हिज फाइनेंस फियांसे किडनैप्ड बट ऑल्सो एक्सपोजेस अ होल इन हिज सिर्फ उसकी जो फियांसे है यानी जो मंगेतर थी उसको किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के दौरान, साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है टॉम क्रूज की। तो ये सब इसमें कहानी है, इस फिल्म को जो स्टार जिसको डायरेक्ट किया है वो जे.जे. एब्रम्स ने किया है। तीनों फिल्म मिशन इम्पॉसिबल जितनी भी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल 3 लगाई है MIT ने, उनको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीज़ें सोच के इसको किया था, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म थी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज के कंपेयर में। 399 डॉलर इसने कमाई, मिलियन डॉलर। उसको रिटायरमेंट के बावजूद
करने के लिए स्टूडेंट का आर्म डीलर कैप्चर कर लेता है, उसको पकड़ लेता है। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर नॉट ओनली गेट्स हिज फाइनेंस फियांसे किडनैप्ड बट आल्सो एक्सपोजेस अ मोल इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो उसका मिशन था रेस्क्यू करने का, वो सिर्फ इसकी जो फियांसे है यानी जो मंगेतर थी उसको किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के दौरान। साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी। तो ये सब इसमें कहानी है। इस फिल्म को जो स्टार जिसको डायरेक्ट किया है वो के.जे. एब्रम्स ने किया है। तीनों फिल्म मिशन इम्पॉसिबल की जितनी भी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल 3 लगाई है, MI3 लगाई है, उनको अलग अलग डायरेक्टर से डायरेक्ट किया है। पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीज़ें सोच के इसको किया था, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली ये फिल्म थी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज के कंपेरिजन में। $399 ने कमाया, $1 million। इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट यानी कि 126 मिनट्स का। तीसरे इंस्टॉलमेंट है जैसे कि मैंने बताया, और इसमें बेसिकली इथर हंट को यानी कि जो टॉम क्रूज है उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म स्टीलर, यानी कि उसको रिटायरमेंट के बावजूद रेस्क्यू करने के लिए स्टूडेंट का आर्म डीलर कैप्चर कर लिया था, उसको पकड़ लिया था। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर नॉट ओनली गेट्स हिज फाइनेंस फियांसे किडनैप्ड बट आल्सो एक्सपोजेस अ मोल इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो उसका मिशन था रेस्क्यू करने का, वो सिर्फ इसकी जो फियांसे है यानी जो मंगेतर थी उसको किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के दौरान। साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर, इसकी जो तो ये सब इसमें कहानी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें इस फिल्म को जो स्टार जिसको डायरेक्ट किया है वो के.जे. एब्रम्स ने किया है। तीनों फिल्म मिशन इम्पॉसिबल की जितनी भी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल 3 तक आई है, MI3 तक आई है, उनको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया। पता नहीं टॉम क्रूज क्या चीज़ें सोच के इसको किया था, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली मिशन इम्पॉसिबल सीरीज के कमाई है। $399 ने कमाया। आपको पता है MI3 ये 2006 में फिल्म थी, पहली फिल्म आई थी 1996 में और तीसरी फिल्म आई थी 2006 में, 4 साल के गैप में दूसरी फिल्म और 6 साल की। इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट यानी कि तीसरे इंस्टॉलमेंट है जैसे कि मैंने बताया। और इसमें बेसिकली इथन रिटायरमेंट होने के बावजूद भी रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया था, उसको पकड़ लिया था। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर नॉट ओनली गेट्स हिज फाइनेंस फियांसे किडनैप्ड बट आल्सो एक्सपोजेस अ मोल इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो उसका मिशन था रेस्क्यू करने का, वो सिर्फ इसकी जो फियांसे है यानी जो मंगेतर थी उसको किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के दौरान। साथ में ये एक कलंक भी
डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर इसकी जो तो ये सब इसमें कहानी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें इस फिल्म को जो स्टार इसको डायरेक्ट किया है वो के जे एब्रम्स ने किया है। तीनों फिल्म जो मिशन इम्पॉसिबल की जितनी भी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल 3 तक आई है, एम आई 3 तक आई है, उनको अलग अलग डायरेक्ट किया है। पता नहीं टॉम क्रूज क्या चीज़ें सोच के इसको किया, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली मिशन इम्पॉसिबल 3 से कम करने वाली 399 डॉलर में कमाई मिले। Impossible 3 जैसे कि आपको पता है MI3 ये 2006 में फिल्म आई थी। पहली फिल्म आई थी 1996 में, दूसरी आई 2000 में और तीसरी फिल्म आई थी 2006 में। 4 साल की गैप में दूसरी फिल्म और 6 साल की फिल्म। इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट यानी कि तीसरी इंस्टॉलमेंट है। बेसिकली ईथन हंट को यानी जो टॉम क्रूज है उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म स्टीलर, यानी कि उसको फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट होने के बावजूद भी रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया था। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर नॉट ओनली गेट्स हिज फाइनल फियांसे किडनैप बट ऑल्सो एक्सपोजेज अ मोर इन हिज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो इसका मिशन था रेस्क्यू करने का वो सिर्फ इसकी जो फियांसे है यानी जो मंगेतर थी उसको किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के दौरान। साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर इसकी ऑर्गेनाइजेशन पर। तो ये सब इसमें कहानी है। जैसे इसमें इस फिल्म को जो स्टार जिसको डायरेक्ट किया है जे जे एब्रम्स ने किया है। तीनों फिल्म मिशन इम्पॉसिबल की जितनी भी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल 3 तक आई है एम आई 3 उसको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीज़ें सोच के इसको किया था, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म मिशन इम्पॉसिबल से फिल्म में 399 डॉलर मिलियन। मिशन इम्पॉसिबल 3 जैसे कि आपको पता है MI3 ये 2006 में फिल्म आई। पहली फिल्म आई थी 1996 में, दूसरी आई 2000 में और अब तीसरी फिल्म आई थी 2006 में। 4 साल की गैप है दूसरी फिल्म और 6 साल की। इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 10 मिनट यानी कि 136 इंस्टॉलमेंट है जिसकी मैंने बताया। और इसमें बेसिकली ईथन हंट को यानी कि जो टॉम क्रूज है उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म स्टीलर, यानी कि उसको फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट होने के बावजूद भी रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया है उसको पकड़ लिया। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर नॉट ओनली हिज फियांसे किडनैप बट ऑल्सो एक्सपोजेज अ मोल इन हिज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो इसका मिशन था रेस्क्यू करने का वो सिर्फ इसकी जो फियांसे है यानी कि जो मंगेतर थी उसको किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के दौरान। साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है टॉम क्रूज। तो ये सब इसमें कहानी है। जैसे कि मैंने आपको बताया इस फिल्म को जो स्टार जिसको डायरेक्ट किया है वो जे जे एब्रम्स ने किया है। तीनों फिल्म जो मिशन सीरीज मिशन इम्पॉसिबल 3 तक आई है MI3 तक आई है उनको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया। पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीज़ें सोच के इसको किया, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म थी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की कंपेयर में। 399 डॉलर ने कमाई थी मिलियन डॉलर।
चार साल की गैप में दूसरी फिल्म और छः साल की गैप। इसका टोटल रन टाइम क्या है, 2 घंटे 6 मिनट यानी कि 136। तीसरे इंस्टॉलमेंट है जैसे कि मैंने बताया, और इसमें बेसिकली इथन हंट को यानी कि जो टॉम क्रूज है उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू द स्टूडेंट कैप्टन बाय आर्म स्टील, यानी कि उसको फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट होने के बावजूद भी रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया है, उसको पकड़ लिया है। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर not only gets his fiancé kidnapped but also exposes a mole in his organization, yani ki jo uska mission tha rescue karne ka wo sirf iski jo fiancé hai yani ki jo mangeta thi usko kidnap bhi ho jati hai is mission ke dauran, saath mein ye ek kalank bhi dal deti hai organization। इसको डायरेक्ट किया है वो जे एब्रम्स ने किया है, तीनों फिल्म मिशन इम्पॉसिबल मिशन इम्पॉसिबल 3 तक आई है, एम आई 3 तक आई है, उनको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया। पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीज़ें टॉम क्रूज को किया था, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म थी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज के कंपेरिजन में, $399 कमाई थी, $1 million। चार साल के गैप में दूसरी फिल्म और 6 साल की गैप। इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट यानी कि 126 मिनट। तीसरे इंस्टॉलमेंट है जैसे कि मैंने बताया, और इसमें बेसिकली इथन हंट को यानी कि जो टॉम क्रूज है उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू दिस स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म स्टील, यानी कि उसको रिटायरमेंट होने के बावजूद भी रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया था यानी कि उसको पकड़ लिया था। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर नॉट ओनली गेट्स हिज फाइनेंस फियांसे किडनैप्ड बट आल्सो एक्सपोजेस अ मोल इन हिज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो उसका मिशन था रेस्क्यू करने का वो सिर्फ इसकी जो फियांसे है यानी जो मंगेतर थी उसको किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के दौरान, साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है टॉम क्रूज। तो ये सब इसकी कहानी है जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसमें इस फिल्म को जो स्टार है जिसको डायरेक्ट किया है वो जे एब्रम्स ने किया, तीनों फिल्म जो मिशन इम्पॉसिबल सीरीज मिशन इम्पॉसिबल 3 तक आई है, MI3 तक आई है, उनको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया। पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीज़ें सोच के किया था, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म थी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज के कंपेरिजन में, $399 million। आपको पता है MI3 ये 2006 में फिल्म आई, पहली फिल्म आई थी 1996 में, और तीसरी फिल्म आई थी 2006 में, यानी कि 4 साल के गैप में दूसरी फिल्म और 6 साल। इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट यानी कि 136। तीसरे इंस्टॉलमेंट है जैसे कि मैंने बताया, और इसमें बेसिकली इथन हंट को यानी कि जो टॉम क्रूज है उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म स्टीलर, यानी कि उसको फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट होने के बावजूद भी रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया है।
प्रोड्यूसर को पकड़ लिया था। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर नॉट ओनली गेट्स हिज फाइनेंस फियांसे किडनैप्ड बट आल्सो एक्सपोजेस अ मोल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो उसका मिशन था रेस्क्यू करने का, वो सिर्फ इसकी जो फियांसे है यानी जो मंगेतर थी उसको किडनैप किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के दौरान। साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है टॉम क्रूज की। तो ये सब इसकी कहानी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें इस फिल्म को जो स्टार इसको डायरेक्ट किया है वो जे.जे. एब्रम्स ने किया। तीनों फिल्म जो मिशन इम्पॉसिबल सीरीज मिशन इम्पॉसिबल 3 तक आई है, मैं 3 तक आई है, उनको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया। पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीज़ें सोच के किया था, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली मिशन इम्पॉसिबल सीरीज है, 399 मिलियन डॉलर। जैसे कि आपको पता है MI3 ये 2006 में फिल्म आई, पहली फिल्म आई थी 1996 में, दूसरी 2004 में और तीसरी फिल्म 2006 में, यानी कि 4 साल के गैप में दूसरी फिल्म और 6 साल। इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट, यानी कि 6 घंटे इंस्टॉलमेंट है जिनकी मैंने बताया। और इसमें बेसिकली इथन हंट को यानी कि जो टॉम क्रूज है उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म स्टीलर, यानी कि उसको फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट होने के बावजूद भी रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर नॉट ओनली गेट्स हिज फियांसे बट ऑल्सो एक्सपोजेस अ मोल इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो उसका मिशन था रेस्क्यू करने का, वो सिर्फ इसकी जो फियांसे है यानी कि जो मंगेतर थी उसको किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के दौरान। साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है टॉम क्रूज की। तो ये सब इसमें कहानी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस फिल्म को जो स्टार इसको डायरेक्ट किया है वो जे.जे. एब्रम्स ने किया। तीनों फिल्म मिशन इम्पॉसिबल की सीरीज मिशन इम्पॉसिबल 3 तक आई है, MI3 उनको अलग अलग डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया। पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीज़ें सोच के इसको किया था, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म थी मिशन इम्पॉसिबल 3। 399 डॉलर इसने कमाई, मिलियन डॉलर। जैसे कि आपको पता है MI3 ये 2006 में फिल्म आई, पहली फिल्म आई थी 1996 में, दूसरी 2000 में और तीसरी फिल्म आई थी 2006 में, यानी कि 4 साल की गैप में दूसरी फिल्म और 6 साल की गैप। इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट, यानी कि 26 मिनट। तीसरी इंस्टॉलमेंट है जिनकी मैंने बताया। और इसमें बेसिकली इथन हंट को यानी कि जो टॉम क्रूज है उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म स्टीलर, यानी कि उसको फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट होने के बावजूद रेस्क्यू करने, यानी स्टूडेंट का जो कि आर्म स्टीलर ने कैप्चर कर लिया। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर नॉट ओनली गेट्स हिज फियांसे किडनैप बट ऑल्सो एक्सपोजेज अ मोल इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो उसका मिशन था रेस्क्यू करने का, वो सिर्फ इसकी जो फियांसे है यानी कि जो मंगेतर थी उसको किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के दौरान। साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सब इसमें कहानी है।
फिल्म मिशन इम्पॉसिबल की सीरीज मिशन इम्पॉसिबल 3 तक आई है, MI3 तक आई है, उनको अलग अलग डायरेक्टर डायरेक्ट किया। पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीज़ें सोच के उसको किया था, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली मिशन इम्पॉसिबल सीरीज है। 399 डॉलर मिलियन फिल्म आई थी 1996 2000 में और तीसरी फिल्म आई थी 2006 की 4 साल की गैप में दूसरी फिल्म और 6 साल के गैप। इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट या तीसरे इंस्टॉलमेंट है जिंदगी मैंने बताया। और इसमें बेसिकली इतन हंट को यानी जो टॉम क्रूज है इसको क्रूज किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म्ड स्टीलर्स। उसको फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट होने के बावजूद भी रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का जो कि आर्म्ड डीलर ने कैप्चर कर लिया था उसको पकड़ लिया। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर नॉट ओनली गेट्स हिज फाइनेंस फियांसे किडनैप्ड बट ऑल्सो एक्सपोजेस अ मोल इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो इसका मिशन था रेस्क्यू करने का वो सिर्फ इसकी जो फियांसे है यानी जो मंगेतर थी उसको किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के दौरान। साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर इसकी जो मिशन। तो ये सब इसमें कहानी है जैसे कि बताया था। इस फिल्म को जो स्टार इसको डायरेक्ट किया है वो जे जे एब्रम्स ने किया है। तीनों फिल्म की मिशन इम्पॉसिबल की जितनी भी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल 3 तक आई है MI3 तक आई है उनको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीज़ें सोच के इसको किया था, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली मिशन इम्पॉसिबल सीरीज है। 399 डॉलर मिलियन पहली फिल्म आई थी 1996 में, दूसरी आई 2000 में और तीसरी फिल्म आई थी 2006 में, यानी कि 4 साल के गैप में दूसरी फिल्म और 6 साल के गैप में तीसरी। इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट यानी कि 126 मिनट। तीसरे इंस्टॉलमेंट है जैसे कि मैंने बताया। और इसमें बेसिकली इथन हंट को यानी कि जो टॉम क्रूज है उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म्ड स्टीलर्स। उसको फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट होने के बावजूद भी रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का जो कि आर्म्ड डीलर ने कैप्चर कर लिया था उसको पकड़ लिया था। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर नॉट ओनली गेट्स हिज फाइनेंस फियांसे किडनैप बट ऑल्सो एक्सपोजेस अ मोल इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। उसका मिशन था रेस्क्यू करने का वो सिर्फ इसकी जो फियांसे है यानी जो मंगेतर थी उसको किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के दौरान। साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है टॉम क्रूज की। तो ये सब इसमें कहानी है जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसमें इस फिल्म को जो स्टार उसको डायरेक्ट किया है वो जे जे एब्रम्स ने किया है। तीनों फिल्म मिशन इम्पॉसिबल सीरीज मिशन इम्पॉसिबल भी लगाई है MI3 को अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया। पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीज़ें सोच के मतलब ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म थी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज है। 399 डॉलर मिलियन डॉलर मिशन इम्पॉसिबल जैसे कि आपको पता है MI3 ये 2006 में पहली फिल्म आई थी 1996
चार साल की गैप थी, दूसरे फिल्म में 6 साल की गैप, जिसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट यानी कि 126 मिनट। तीसरे इंस्टॉलमेंट है जैसे कि मैंने बताया, और इसमें बेसिकली इथन हंट को यानी कि जो टॉम क्रूज है उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म स्टीलर, यानी कि उसको फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट होने के बावजूद भी रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया है, उसको पकड़ लिया। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर नॉट ओनली गेट्स हिज फियांसे किडनैप्ड बट आल्सो एक्सपोजेस अ मोल इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। उसका मिशन था रेस्क्यू करने का, वो सिर्फ उसकी जो फियांसे है जो मंगेतर थी उसको किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के दौरान। साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है टॉम क्रूज की। तो ये सब इसमें कहानी है जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसमें इस फिल्म को जो स्टार और इसको डायरेक्ट किया है वो जे.जे. एब्रम्स ने किया है। तीनों फिल्म मिशन इम्पॉसिबल की भी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल की लगाई है मैंने उसको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया। पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीज़ें सोचती थी, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म थी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज के कंपैरिजन में, $399 मिलियन। मिशन इम्पॉसिबल 3 जैसे कि आपको पता है साल के गैप दूसरी फिल्म को 6 साल, इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट यानी कि 126 मिनट का। तीसरे इंस्टॉलमेंट है जैसे कि मैंने बताया, और इसमें बेसिकली इथन हंट को यानी जो टॉम क्रूज है उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म स्टीलर, यानी उसको रिटायरमेंट के बावजूद भी रेस्क्यू करने के लिए स्टूडेंट का जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया है उसको पकड़ लिया। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर नॉट ओनली गेट्स हिज फाइनेंस फियांसे किडनैप्ड बट आल्सो एक्सपोजेस अ मोल इन हिज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो उसका मिशन था रेस्क्यू करने का वो सिर्फ उसकी जो फियांसे है जो मंगेतर थी उसको किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के दौरान। साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर, इसकी जो तो ये सब इसमें कहानी है जैसे इसमें इस फिल्म को जो स्टार और इसको डायरेक्ट किया है वो जे.जे. एब्रम्स ने किया है। तीनों फिल्म मिशन इम्पॉसिबल जितनी भी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल थी तक आई है MI से, उनको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया। पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीज़ें सोच के इसको किया था, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म थी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज के कंपैरिजन में, $399 ने कमाए थे मिलियन डॉलर्स। मिशन इम्पॉसिबल 3 जैसे कि आपको पता है MI3 ये 2006 में फिल्म आई, पहली फिल्म आई थी 1996 में, दूसरी 2006 में, और तीसरी फिल्म आई थी 2006 में, ये 4 साल के गैप में दूसरी फिल्म और 6 साल के गैप में। इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट यानी कि 126 मिनट का। तीसरी इंस्टॉलमेंट है जैसे कि मैंने बताया, और इसमें बेसिकली इथन हंट को यानी कि जो टॉम क्रूज है उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म स्टीलर, यानी कि उसको फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट होने के बावजूद रेस्क्यू करने के लिए स्टूडेंट का जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया है उसको
टू रेस्क्यू हर नॉट ओनली गेट्स हिज फाइनेंस फियांसे किडनैप्ड बट ऑल्सो एक्सपोजेस अ मोल इन हिज ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि जो इसका मिशन था रेस्क्यू करने का, वो सिर्फ इसकी जो फियांसे है यानी कि संगीता थी उसको किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के दौरान. साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर. तो ये सब इसमें कहानी है. जैसे कि मैंने आपको कहा था इसमें इस फिल्म को जो स्टार जिसको डायरेक्ट किया है वो जे.जे. एब्रम्स ने किया है. तीनों फिल्म मिशन इम्पॉसिबल जितनी भी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल 3 तक आई है MIT उनको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है. पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीजें सोच किया था, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म मिशन इम्पॉसिबल सीरीज में $300 मिलियन. जैसे कि आपको पता है MI3 ये 2006 में फिल्म आई थी. पहली फिल्म आई थी 1996 में, दूसरी 2000 में और अब तीसरी फिल्म आई थी 2006 में. यानी 4 साल के गैप में दूसरी फिल्म और इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट यानी कि तीसरे इंस्टॉलमेंट है जैसे कि मैंने बताया. और इसमें बेसिकली इथरमेंट को यानी कि जो टॉम क्रूज है उसको फोर्स किया गया आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म्स ट्रिक. यानी कि उसको फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट होने के बावजूद भी रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया था यानी कि उसको पकड़ लिया था. हिज मिशन टू रेस्क्यू हर not only gets his finance fiance kidnapped but also exposes a mole in his organization. yani ki jo uska mission tha rescue karne ka, wo sirf iski jo fiance hai yani ki Mangeta ki usko kidnap bhi ho jati hai is mission ke dauran. sath mein ye ek kalank bhi dal deti hai organization par iski jo ये सब इसमें कहानी है. जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें इस फिल्म को जो स्टार जिसको डायरेक्ट किया है वो जे.जे. एब्रम्स ने किया है. तीनों फिल्म जो मिशन इम्पॉसिबल थी जितनी भी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल 3 तक आई है MI3 तक उनको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है. पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीजें सोच किया था, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म मिशन इम्पॉसिबल सीरीज में $300 मिलियन. जैसे कि आपको पता है MI3 ये 2006 में फिल्म आई थी. पहली फिल्म आई थी 1996 में, दूसरी आई 2000 में और अब तीसरी फिल्म आई थी 2006 में. यानी कि 4 साल के गैप में दूसरी फिल्म और 6 साल के गैप इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट यानी कि 1:26. तीसरे इंस्टॉलमेंट जैसे कि मैंने बताया. और इसमें बेसिकली इथन हंट को यानी कि जो टॉम क्रूज है उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म स्टीलर. यानी कि उसको फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट होने के बावजूद भी रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया है उसको पकड़ लिया. हिज मिशन टू रेस्क्यू हर not only gets his finance fiance kidnapped but also exposes a mole in his organization. yani ki jo uska mission tha rescue karne ka, wo sirf iski jo fiance hai yani jo Mangeta thi usko kidnap bhi ho jati hai is mission ke dauran. sath mein ye ek kalank bhi डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है. तो ये सब इसमें कहानी है. जैसे कि इस फिल्म को जो स्टार
में टॉम क्रूज ने क्या चीजें सोच के सोच लिया था। बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म मिशन इम्पॉसिबल में $399 ने मिलियन। चार साल के गैप में दूसरी फिल्म और छह साल के गैप। इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट यानी कि 126 मिनट। तीसरी इंस्टॉलमेंट है जैसे कि मैंने बताया, और इसमें बेसिकली इथन हंट को यानी कि जो टॉम क्रूज है उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म्स डीलर, यानी कि उसको फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट होने के बावजूद भी रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया है उसको। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर नॉट ओनली हिज फियांसे की डेथ बट आल्सो एक्सपोजेस द होल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो उसका मिशन था रेस्क्यू करने का वो सिर्फ इसकी जो फियांसे है यानी कि जो मंगेतर थी उसको किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के दौरान। साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सब इसकी कहानी है। जैसे कि इसमें इस फिल्म को जो स्टार इसको डायरेक्ट किया है वो जे.जे. एब्राम्स ने किया है। तीनों फिल्म मिशन इम्पॉसिबल जितनी भी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल थ्री लगाई है MIT को अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीजें सोच के इसको किया था, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म थी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज के कंपैरिजन में। $399 मिलियन। इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट यानी कि 126 मिनट। तीसरी इंस्टॉलमेंट है जैसे कि मैंने बताया, और इसमें बेसिकली इथन हंट को यानी जो टॉम क्रूज है उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्टेड बाय आर्म्स डीलर, यानी कि उसको फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट होने के बावजूद रेस्क्यू करने के लिए स्टूडेंट का जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया था यानी उसको पकड़ लिया। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर नॉट ओनली हिज फाइनेंस फियांसे किडनैप बट ऑल्सो एक्सपोजेस अ मोल इन हिज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो इसका मिशन था रेस्क्यू करने का सिर्फ इसकी जो फियांसे है यानी जो संगेतर थी उसको किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के दौरान। साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सब इसमें कहानी है जैसे कि मैंने इस फिल्म को जो स्टार और इसको डायरेक्ट किया है वो जे.जे. एब्राम्स ने किया है। तीनों फिल्म जो मिशन इम्पॉसिबल की जितनी भी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल 3 तक आई है MIT तक उनको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीजें सोच के इसको किया था, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म थी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज के कंपैरिजन में। $399 ने कमाई था मिलियन डॉलर्स। चार साल के गैप में दूसरी फिल्म और छह साल के गैप में तीसरी फिल्म।
इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 10 मिनट यानी कि 136 मिनट इसका। तीसरे इंस्टॉलमेंट है जैसे कि मैंने बताया, और इसमें बेसिकली ईथरहंट को यानी कि टॉम क्रूज़ है उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म सीजर, यानी उसको फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट होने के बावजूद भी रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया था यानी उसको पकड़ लिया था। हिज मिशन to rescue her, not only gets his fiancé kidnapped but also exposes a mole in his organization, yani ki uska mission tha rescue karne ka, wo sirf iski jo fiancé hai yani ki jo mangeta thi usko kidnap bhi ho jati hai is mission ke dauran, saath mein ye ek kalank bhi डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है टॉम क्रूज़। तो ये सब इसमें कहानी है जैसे कि मैंने आपको बताया था। इस फिल्म को जो स्टार जिसको डायरेक्ट किया है वो जे.जे. एब्रम्स ने किया है। तीनों फिल्म जो मिशन इम्पॉसिबल थी जितनी भी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल थ्री लगाई है उनको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। पता नहीं टॉम क्रूज़ क्या चीज़ें बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म थी मिशन इम्पॉसिबल से कंपेयर करें 300 मिलियन। मिशन इम्पॉसिबल 3 जैसे कि आपको पता है MI3 ये 2006 में पहली फिल्म आई थी 1996 में, दूसरी 2004 में और तीसरी फिल्म आई थी 2006 में। 4 साल की गैप में दूसरी फिल्म 6 महीने का टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट यानी कि 136। तीसरे इंस्टॉलमेंट है जैसे कि मैंने बताया, और इसमें बेसिकली इथन हंट को यानी कि जो टॉम क्रूज़ है उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म स्टीलर, यानी कि उसको फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट होने के बावजूद भी रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया था यानी उसको पकड़ लिया। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर नॉट ओनली गेट्स हिज फियांसे किडनैप्ड बट आल्सो एक्सपोजेस अ मोल इन हिज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो उसका मिशन था रेस्क्यू करने का वो सिर्फ उसकी जो फियांसे है यानी कि जो मंगेतर थी उसको किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के दौरान, साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है टॉम क्रूज़ की। तो ये सब इसमें कहानी है जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसमें इस फिल्म को जो स्टार जिसको डायरेक्ट किया है वो जे.जे. एब्रम्स ने किया है। तीनों फिल्म जो मिशन इम्पॉसिबल की जितनी भी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल थी लगाई है MI3 लगाई है उनको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। पता नहीं टॉम क्रूज़ ने क्या चीज़ें बनाई बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म थी मिशन इम्पॉसिबल 399 मिलियन। मिशन इम्पॉसिबल 3 जैसे कि आपको पता है MI3 ये 2006 में फिल्म आई थी, पहली फिल्म आई थी 1996 में, दूसरी 2004 में और तीसरी फिल्म आई थी 2006 में, 4 साल की गैप में दूसरी फिल्म और इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट यानी कि 136 मिनट। तीसरे इंस्टॉलमेंट है जैसे कि मैंने बताया, और इसमें बेसिकली इथन हंट को यानी कि जो टॉम क्रूज़ है उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म स्टीलर, यानी कि उसको फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट होने के बावजूद भी रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया था उसको पकड़ लिया। हिज मिशन टू रेस्क्यू
बाद नॉट ओनली एक्सेस फाइनेंस किडनैप बट ऑल्सो एक्सपोजेज ऑल इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो उसका मिशन था रेस्क्यू करने का वो सिर्फ इसकी जो फियांसे है यानी जो मंगेतर थी उसको किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के दौरान। साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर, इसकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग इस फिल्म को जिस डाल इसको डायरेक्ट किया है वो जी जे एब्रम्स ने किया है। तीनों फिल्म मिशन इम्पॉसिबल सीरीज मिशन इम्पॉसिबल 3 तक आई है, MI3 तक आई है, वो अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीज़ें सोच के इसको किया था, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की दिखाई जाए $399 million। पहली फिल्म आई थी 2000 में और तीसरी फिल्म आई थी 2006 में, यानी कि 4 साल के गैप में दूसरी फिल्म और 6 साल के गैप में। इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट यानी कि 126 मिनट। तीसरी इंस्टॉलमेंट है जैसे कि मैंने बताया, और इसमें बेसिकली इथन हंट को यानी कि जो टॉम क्रूज है उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म्ड थीफ, यानी कि उसको फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट होने के बावजूद भी रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया है। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर नॉट ओनली गेट्स हिज फाइनेंस फियांसे किडनैप बट ऑल्सो एक्सपोजेज अ होल इन ऑर्गेनाइजेशन, जो इसका मिशन था रेस्क्यू करने का वो सिर्फ इसकी जो फियांसे है यानी कि जो मंगेतर थी उसको किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के दौरान। साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर, जो ऑर्गेनाइजेशन को यूज करना। तो ये सब इसमें जो स्टार इसको डायरेक्ट किया है जे जे एब्रम्स ने किया, तीनों फिल्म मिशन इम्पॉसिबल सीरीज मिशन इम्पॉसिबल 3 तक आई है, MI3 तक आई है, उनको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीजें सोच के इसको किया था, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म थी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज के कंपैरिजन में, $399 million। पहली फिल्म आई थी 2000 में और तीसरी फिल्म आई थी 2006 में, यानी कि 4 साल के गैप में दूसरी फिल्म और 6 साल के गैप में तीसरी। इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट यानी कि 126 मिनट। तीसरी इंस्टॉलमेंट है जैसे कि मैंने बताया, और इसमें बेसिकली इथन हंट को यानी कि जो टॉम क्रूज है उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म थीफ, यानी उसको फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट होने के बावजूद भी रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया है उसको पकड़ लिया। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर नॉट ओनली गेट्स हिज फाइनेंस फियांसे किडनैप बट ऑल्सो एक्सपोजेज अ मोल इन ऑर्गेनाइजेशन, जो उसका मिशन था रेस्क्यू करने का वो सिर्फ उसकी जो फियांसे है यानी जो मंगेतर थी उसको किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के दौरान। साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है। ये सब इसमें कहानी है जैसे कि मैंने बताया, इसमें
इस फिल्म को जिसको डायरेक्ट किया है वो जे जे एब्रम्स ने किया है। तीनों फिल्म मिशन इम्पॉसिबल की जितनी भी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल 3 तक आई है, एम आई 3 तक आई है, उनको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीज़ें सोच के शो किया था, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म थी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज के कम्पेयर में। 399 डॉलर इसने कमाया मिलियन डॉलर। में और अब तीसरी फिल्म आई थी 2006 में, यानी कि 4 साल के गैप में दूसरी फिल्म और 6 साल के गैप में। इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट, यानी कि 136 मिनट का। तीसरे इंस्टॉलमेंट में जैसे मैंने बताया, और इसमें बेसिकली इथन हंट को, यानी जो टॉम क्रूज ने उसको आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्टन बाय उसको रिटायरमेंट होने के बावजूद भी रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया था, यानी उसको पकड़ लिया था। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर नॉट ओनली गेट्स हिज फाइनेंस फियांसे किडनैप्ड बट आल्सो एक्सपोजेस अ मॉल इन हिज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो मिशन था सिर्फ उसकी जो फियांसे है उसको किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के दौरान। साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर इसकी जो तो ये सब इसमें कहानी है। इसमें इस फिल्म को जो स्टार इसको डायरेक्ट किया है वो चीजें है तीनों फिल्म मिशन इम्पॉसिबल की सीरीज मिशन इम्पॉसिबल 3 तो आई है, मैं इसी उनको अलग अलग डायरेक्ट किया। पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीजें सोच के इसको, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली मिशन इम्पॉसिबल सीरीज के कम्पेयर में 399 डॉलर इसने कमाए मिलियन डॉलर। बेसिकली इथन हंट को, यानी कि जो टॉम क्रूज है उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म स्टीलर, यानी कि उसको फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट होने के बावजूद भी रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया था, यानी उसको पकड़ लिया था। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर not only gets his finance fiance kidnapped but also exposes a mole in his organization, yani ki jo uska mission tha rescue karna tha wo sirf uski jo fiance hai yani jo mangeshkar thi usko kidnap bhi ho jati hai is mission ke dauran। sath mein ye ek kalank bhi डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है तो ये सब इसमें कहानी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें इस फिल्म को जो स्टार इसको डायरेक्ट किया है वो जे जे एब्रम्स ने किया है। तीनों फिल्म मिशन इम्पॉसिबल की जितनी भी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल 3 तक आई है एम आई 3 तक उनको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया। पता नहीं टॉम क्रूज क्या चीजें सोच के शो किया था, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली मिशन इम्पॉसिबल सीरीज के कम्पेयर में 399 डॉलर इसने कमाए थे मिलियन डॉलर। मिशन इम्पॉसिबल 3
जैसे कि आपको पता है MIT ये 2006 में फिल्म आई थी, पहली फिल्म आई थी 1994 में और तीसरी फिल्म आई थी 2006 में, और ये 4 साल की गैप दूसरी फिल्म और 6 साल इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट यानी 1:26। तीसरी इंस्टॉलमेंट है जैसे कि मैंने बताया, और इसमें बेसिकली इथन हंट को यानी कि जो टॉम क्रूज है उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म स्टीलर, यानी कि उसको फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट के बावजूद रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का जो कि आर्म स्टीलर ने कैप्चर कर लिया है। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर नॉट ओनली गेट्स हिज फियांसे किडनैप्ड बट आल्सो एक्सपोजेस अ मोल इन हिज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो मिशन था रेस्क्यू करने का वो सिर्फ इसकी जो फियांसे है यानी जो मंगेतर थी उसको किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के द्वारा। साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब इसमें कहानी है। इसमें इस फिल्म को जो स्टार जिसको डायरेक्ट किया है वो जे.जे. एब्राम्स ने किया है। तीनों फिल्म जो मिशन इम्पॉसिबल की जो जितनी भी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल 3 तक आई है तीन उनको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। पता नहीं टॉम क्रूज क्या चीज़ें सोच के इसको किया, मतलब ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली ये फिल्म थी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज में, $399 इसका बजट था। चार साल के गैप में दूसरी फिल्म और 6 साल इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट यानी कि 126 मिनट। तीसरी इंस्टॉलमेंट है जैसे कि मैंने बताया, और इसमें बेसिकली इथन हंट को यानी कि जो टॉम क्रूज है उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म स्टीलर, यानी कि उसको रिटायरमेंट होने के बावजूद भी रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया है उसको पकड़ लिया है। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर नॉट ओनली गेट्स हिज फियांसे किडनैप्ड बट आल्सो एक्सपोजेस अ मोल इन हिज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो इसका मिशन था रेस्क्यू करने का वो सिर्फ इसकी जो फियांसे है ये जो मंगेतर थी उसको किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के द्वारा। साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर इसकी जो मिशन, तो ये सब इसमें कहानी है जैसे कि मैंने बताया था। इसमें इस फिल्म को जो स्टार इसको डायरेक्ट किया है वो जे.जे. एब्राम्स ने किया है। तीनों फिल्म जो मिशन इम्पॉसिबल की जितनी भी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल 3 तक आई है हमारे 3 तक आई उनको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीज़ें सोच के इसको किया, मतलब ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म थी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज में, $399 इसने कमाई मिलियन। फिल्म आई थी 1996 में, दूसरी आई 2000 में और अब तीसरी फिल्म आई थी 2006 में, यानी कि 4 साल के गैप में दूसरी फिल्म और 6 साल के गैप में। इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट यानी कि 126 मिनट। तीसरी इंस्टॉलमेंट है जिसकी मैंने बताया, और इसमें बेसिकली इथन हंट को यानी कि जो टॉम क्रूज है उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्टन आर्म स्टीलर, यानी कि
को फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट होने के बावजूद भी रेस्क्यू करने के लिए स्टूडेंट का, जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया था, उसको पकड़ लिया था। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर नॉट ओनली गेट्स हिज फियांसे किडनैप्ड बट आल्सो एक्सपोजेस अ मोल इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। था रेस्क्यू करने का सिर्फ उसकी जो फियांसे है उसको किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के दौरान। साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर, इसकी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सब इसमें कहानी है। इसमें इस फिल्म को जो स्टार जिसको डायरेक्ट किया है वो जे जे एब्रम्स ने किया है। तीनों फिल्म जो मिशन इम्पॉसिबल की जितनी भी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल 3 तक आई है, MI3 तक आई है, उनको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीजें सोच के शूट किया था, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म थी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की कंपैरिजन में। 399 मिलियन डॉलर्स। जैसे कि आपको पता है MI3 ये 2006 में फिल्म आई थी। पहली फिल्म आई थी 1996 में, दूसरी आई 2000 में, और अब तीसरी फिल्म आई थी 2006 में, यानी कि 4 साल के गैप में दूसरी फिल्म और 6 साल के गैप में तीसरी। इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट, यानी कि तीसरे इंस्टॉलमेंट है जैसे कि मैंने बताया। बेसिकली इथन हंट को यानी जो टॉम क्रूज है उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म स्टीलर, यानी कि उसको फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट होने के बावजूद भी रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का, जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया था, यानी कि उसको पकड़ लिया। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर नॉट ओनली गेट्स हिज फियांसे किडनैप्ड बट आल्सो एक्सपोजेस अ मोर इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो इसका मिशन था रेस्क्यू करने का, वो सिर्फ इसकी जो फियांसे है यानी कि जो मंगेतर थी उसको किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के दौरान। साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर, इस जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सब कहानी है। इस फिल्म को जो स्टार है जिसको डायरेक्ट किया है वो के जे एब्रम्स ने किया है। तीनों फिल्म सीरीज मिशन इम्पॉसिबल 3 तक आई है, उनको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीजें सोच के इसको किया था, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म थी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की कंपैरिजन में। 399 मिलियन डॉलर। जैसे कि आपको पता है MI3 ये 2006 में फिल्म आई थी। पहली फिल्म आई थी 1996 में, और तीसरी फिल्म आई थी 2006 में, यानी कि 4 साल के गैप में दूसरी फिल्म आई थी। इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट, यानी कि 126 मिनट। तीसरी इंस्टॉलमेंट है जैसे कि मैंने बताया, और इसमें बेसिकली इथन हंट को यानी कि जो टॉम क्रूज है उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म स्टीलर, यानी कि उसको फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट होने के बावजूद भी रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का, जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया था, यानी कि उसको। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर not only gets his finance fiance kidnapped but also exposes a mole in his organization, यानी कि जो उसका मिशन था रेस्क्यू करने का, वो सिर्फ इसकी जो फियांसे है यानी कि जो मंगेतर थी उसको किडनैप
किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के दौरान। साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है टॉम क्रूज की। तो ये सब इसमें कहानी है। इस फिल्म को जो स्टार है जिसको डायरेक्ट किया है वो जे.जे. एब्रम्स ने किया है। तीनों फिल्म सीरीज मिशन इम्पॉसिबल 3 दबाई है, उनको अलग अलग डायरेक्टर्स डायरेक्ट किया है। पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीजें सोच के इसको किया था, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म थी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज के कंपैरिजन में। $399 इसने कमाई मिली गई। इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट यानी कि 126 मिनट का। तीसरे इंस्टॉलमेंट है जैसे कि मैंने बताया, और इसमें बेसिकली इथन हंट को यानी कि जो टॉम क्रूज है उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म स्ट्रीगर, यानी कि उसको फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट होने के बावजूद रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया है, उसको पकड़ लिया। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर not only gets his finance fiance kidnapped but also exposes a mole in his organization, yani ki jo iska mission tha rescue karne ka wo sirf uski jo fiance hai yani jo bhagetak usko kidnap kidnap bhi ho jati hai is mission ke dauran, sath mein ye ek kalank bhi dal deti hai organization par isko। ये सब इसमें कहानी है जैसे कि मैंने इस फिल्म को जो स्टार इसको डायरेक्ट किया है वो जे.जे. एब्रम्स ने किया है। तीनों फिल्म मिशन इम्पॉसिबल की जो जितनी भी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल 3 तक आई है MI3 तक, उनको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया। पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीज़ें सोच के इसको किया था, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की कमाई है। कि 4 साल के गैप में दूसरी फिल्म और 6 साल के गैप में तीसरी। इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट यानी कि 126 मिनट्स का। तीसरी इंस्टॉलमेंट है जैसे कि मैंने बताया, और इसमें बेसिकली इथन हंट को यानी कि जो टॉम क्रूज है उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म स्टीलर, यानी कि उसको रिटायरमेंट होने के बावजूद रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया है, उसको पकड़ लिया। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर नॉट ओनली गेट्स हिज फाइनेंस फियांसे किडनैप्ड बट आल्सो एक्सपोजेस अ मोल इन हिज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो उसका मिशन था रेस्क्यू करने का वो सिर्फ इसकी फियांसे है यानी कि जो मंगेतर थी उसको किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के दौरान। साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सब इसमें कहानी है जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसमें इस फिल्म को जो स्टार इसको डायरेक्ट किया है वो जे.जे. एब्रम्स ने किया है। तीनों फिल्म मिशन इम्पॉसिबल की जो जितनी भी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल 3 तक आई है MI3 तक आई है, उनको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया। पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीज़ें सोच के इसको किया था, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म थी मिशन इम्पॉसिबल 3 से 399।
जैसे कि आपको पता है MI3 ये 2006 में फिल्म आई थी, पहली फिल्म आई थी 1996 में, दूसरी आई 2000 में और अब तीसरी फिल्म आई थी 2006 में, यानी कि 4 साल की गैप में दूसरी फिल्म और 6 साल की गैप। इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट यानी कि 1 घंटे 30 मिनट इंस्टॉलमेंट है जैसे कि मैंने बताया। और इसमें बेसिकली ईथन हंट को यानी कि उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म स्टीलर, यानी कि उसको फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट होने के बावजूद भी रेस्क्यू करने के लिए स्टूडेंट का जो कि आर्म स्टीलर ने कैप्चर कर लिया है उसको पकड़ लिया है। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर not only gets to find his fiancé kidnapped but also exposes a mole in his organization, yani ki jo uska mission tha rescue karne ka wo sirf uski jo fiancé hai yani jo mangeter thi usko kidnap bhi ho jati hai is mission ke dauran, saath mein ye ek kalank bhi dal deti hai organization par। तो ये सब इसमें कहानी है जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसमें इस फिल्म को जो स्टार इसको डायरेक्ट किया है वो जे.जे. एब्रम्स ने किया है। तीनों फिल्म जो मिशन इम्पॉसिबल की जितनी भी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल 3 तक आई है MI3 तक आई है उनको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया। पता नहीं टॉम क्रूज क्या चीज़ें सोचते हैं बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली मिशन इम्पॉसिबल सीरीज है। जैसे कि आपको पता है MI3 ये 2006 में फिल्म आई थी, पहली फिल्म आई थी 1996 में, दूसरी आई 2000 में और तीसरी फिल्म आई थी 2006 में, यानी कि 4 साल के गैप में दूसरी फिल्म और 6 साल की। इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट तीसरी इंस्टॉलमेंट है जैसे कि मैंने बताया। और इसमें बेसिकली ईथन हंट को यानी कि जो टॉम क्रूज है उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म स्टीलर, यानी कि उसको फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट होने के बावजूद भी रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया है उसको पकड़ लिया है। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर नॉट ओनली गेट्स हिज फियांसे किडनैप बट आल्सो एक्सपोजेस अ मोल इन हिज ऑर्गेनाइजेशन, उसका मिशन था रेस्क्यू करने का वो सिर्फ इसकी जो फियांसे है यानी कि जो मंगेतर थी उसको किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के दौरान, साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर। तो ये सब इसकी कहानी है जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसमें इस फिल्म को जो स्टार इसको डायरेक्ट किया है जे.जे. एब्रम्स ने किया है। तीनों फिल्म सीरीज मिशन इम्पॉसिबल की लगाई है MI3 तक उनको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीज़ें सोच रही है बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म थी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज में, 399 मिलियन डॉलर। चार साल के गैप में दूसरी फिल्म और 6 साल के गैप में इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट यानी कि 126 मिनट। तीसरी इंस्टॉलमेंट है जैसे कि मैंने बताया। और इसमें बेसिकली ईथन हंट को यानी कि जो टॉम क्रूज है उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय
आर्म स्टीलर यानी कि उसको फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट होने के बावजूद भी रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का, जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया था, उसको हिज मिशन टू रेस्क्यू हर नॉट ओनली गेट्स हिज फाइनेंस फियांसे किडनैप बट आल्सो एक्सपोजेस अ मोल इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। जो उसका मिशन था रेस्क्यू करने का, वो सिर्फ इसकी जो फियांसे है यानी कि जो मंगेतर थी उसको किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के दौरान। साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सब इसमें कहानी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसमें इस फिल्म को जो स्टार है जिसको डायरेक्ट किया है वो जे.जे. एब्रम्स ने किया है। तीनों फिल्म मिशन इम्पॉसिबल जितनी भी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल थ्री तक आई है, आई थ्री तक आई है, उनको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीज़ें सोच के किया था, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म थी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज के कंपैरिजन में, $399 million। चार साल के गैप में दूसरी फिल्म और 6 साल के गैप तीसरी। इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट यानी कि 126 मिनट। तीसरी इंस्टॉलमेंट है जैसे कि मैंने बताया, और इसमें बेसिकली ईथन हंट को यानी कि जो टॉम क्रूज है उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म स्टीलर यानी कि उसको फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट होने के बावजूद भी रेस्क्यू करने के लिए स्टूडेंट का, जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया था, उसको पकड़ लिया था। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर नॉट ओनली गेट्स हिज फाइनेंस फियांसे किडनैप बट आल्सो एक्सपोजेस अ मोल इन ऑर्गेनाइजेशन। जो उसका मिशन था रेस्क्यू करने का, वो सिर्फ इसकी जो प्यार से है किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के दौरान। साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर, इसकी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब इसमें आपको बताया था। इसमें इस फिल्म को जो स्टार है जिसको डायरेक्ट किया है वो जे.जे. एब्रम्स ने किया है। तीनों फिल्म जो मिशन इम्पॉसिबल जितनी भी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल थ्री तक आई है, आई थ्री तक आई है, उनको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया। पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीज़ें सोच के इसको किया था, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म थी मिशन इम्पॉसिबल थ्री तक आई है, $399 million। जैसे कि आपको पता है MI3 ये 2006 में फिल्म आई, पहली फिल्म आई थी 1996 में, दूसरी आई 2000 में, और अब तीसरी फिल्म आई थी 2006 में, यानी कि 4 साल के गैप में दूसरी फिल्म और 6 साल के गैप तीसरी। इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट यानी कि 126 मिनट। तीसरी इंस्टॉलमेंट है जैसे कि मैंने बताया, और इसमें बेसिकली ईथन हंट को यानी कि जो टॉम क्रूज है उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म स्टीलर यानी कि उसको फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट होने के बावजूद भी रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का, जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया था, उसको पकड़ लिया था। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर not only gets his finance fiance kidnapped but also exposes a mole in organization. Yeah, जो उसका मिशन था रेस्क्यू करने का, वो सिर्फ इसकी जो फियांसे है यानी जो मंगेतर थी उसको किडनैप
होन किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के दौरान। साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है टॉम क्रूज। तो ये सब इसमें कहानी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसमें इस फिल्म को जो स्टार जिसको डायरेक्ट किया है वो जे जे एब्रम्स ने किया है। तीनों फिल्म जो मिशन इम्पॉसिबल की जितनी भी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल थी लगाई है भाई, थी उनको अलग अलग डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया। पता नहीं टॉम क्रूज क्या जे किया था, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली मिशन इम्पॉसिबल सीरीज है। $399 मिलियन। जैसे कि आपको पता है MI3 ये 2006 में फिल्म आई थी। पहली फिल्म आई थी 1996, दूसरी आई 2004 में, तीसरी फिल्म आई थी 2006, यानी कि 4 साल के गैप में दूसरी फिल्म और 6 साल के। इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट, यानी कि 126। तीसरी इंस्टॉलमेंट है जैसे कि मैंने बताया। इसमें बेसिकली इथन हंट को, यानी कि जो टॉम क्रूज है, उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ द कार में टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर बाय आर्म स्टील, यानी कि उसको फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट के बावजूद भी रेस्क्यू करने के लिए स्टूडेंट का, जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर दिया। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर not only gets his fiancé kidnapped but also exposes a mole in his organization, यानी कि जो इसका मिशन था रेस्क्यू करने का, वो सिर्फ इसकी जो फियांसे है यानी कि जो मंगेतर थी उसको किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के दौरान। साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है टॉम क्रूज की। तो ये सब इसमें कहानी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसमें इस फिल्म को जो स्टार जिसको डायरेक्ट किया है वो जे जे एब्रम्स ने किया है। तीनों फिल्म मिशन इम्पॉसिबल की जितनी भी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल थ्री तक आई है, थ्री तक उनको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया। पता नहीं टॉम क्रूज क्या चीजें सोच के उसको, बट ये फिल्म सबसे कम कमाई करने वाली थी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज में, $399 मिलियन। मिशन इम्पॉसिबल 3, जैसे कि आपको पता है MI3 ये 2006 में फिल्म आई थी। पहली फिल्म आई थी 1996 में, दूसरी आई 2004 में, और तीसरी फिल्म आई थी 2006 में, 4 साल की गैप दूसरे फिल्म और 6 साल की गैप। इसका टोटल रन टाइम रहा है 2 घंटे 6 मिनट, यानी कि 126 मिनट। तीसरी इंस्टॉलमेंट है जिसकी मैंने बताया। और इसमें बेसिकली इथन हंट को, यानी कि जो टॉम क्रूज है, उसको फोर्स किया जाता है आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रेस्क्यू हिज स्टूडेंट कैप्चर्ड बाय आर्म स्टील, यानी कि उसको फोर्स किया जाता है रिटायरमेंट होने के बावजूद भी रेस्क्यू करने के लिए एक स्टूडेंट का, जो कि आर्म डीलर ने कैप्चर कर लिया, उसको पकड़ लिया। हिज मिशन टू रेस्क्यू हर नॉट ओनली गेट्स हिज फाइनल फियांसे किडनैप्ड बट आल्सो एक्सपोजेस अ मोल इन हिज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो इसका मिशन था रेस्क्यू करने का, वो सिर्फ इसकी जो फियांसे है यानी जो मंगेतर थी उसको किडनैप भी हो जाती है इस मिशन के दौरान। साथ में ये एक कलंक भी डाल देती है ऑर्गेनाइजेशन पर, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब इसमें कहानी है, जैसे कि मैंने इसमें इस फिल्म को जो स्टार जिसको डायरेक्ट किया है वो जे.जे. एब्रम्स ने किया है। तीनों फिल्म जो मिशन इम्पॉसिबल की जितनी भी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल 3 तक आई है, MI3 तक आई, उनको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया। पता नहीं टॉम क्रूज ने क्या चीज़ें सोच के, बट ये फिल्म सबसे
सबसे कम कमाई करने वाली मिशन इम्पॉसिबल सीरीज है।